तो अब पार्ट नंबर टू। पहला हमने सीपीपीआई से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, अब हम कर रहे हैं पार्ट नंबर टू या मैंने कहा था दो टाइप, टाइप टू लिख देते, टाइप टू क्वेश्चन, टाइप टू। और ये क्वेश्चन आया है कॉन्स्टेंट रेशियो प्लान, कॉन्स्टेंट रेशियो प्लान। सर इसमें क्या होता है बेटे, ज्यादा अच्छा है ना इसको मैं लिखवाऊं और बहुत सारी बातें समझाऊं फिर एग्जाम्पल करवाऊं, ज्यादा टाइम है उसकी अपेक्षा। मैं सीधा क्वेश्चन, क्योंकि एक ही तो क्वेश्चन है तो मैं सीधा क्वेश्चन उठा रहा हूं। तो आप अपनी बुक में देखोगे आपको मिलेगा बेटा क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 और पेज नंबर 24। यहां लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 80, पेज नंबर 24। मिस सुनिधि वाला क्वेश्चन है, एक बार पढ़ते क्या बोल रहा है क्वेश्चन। लिखा हुआ है मिस सुनिधि इज वर्किंग, ठीक है, विथ एन एमएनसी एट मुंबई। सी इज वेल वर्जेंट विद द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड वांट्स टू टेस्ट वन ऑफ द टेक्निक्स ऑन द इक्विटी फंड सी हैज कंस्ट्रक्टेड एंड कंपेयर द गेन एंड लॉस फ्रॉम द टेक्निक विच दोज फ्रॉम ए पैसिव बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी। तो भाई बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी हमने पढ़ा था, तो बाय एंड होल्ड में जनरली हम क्या करते थे सर, बाय एंड कुछ पैसा बॉन्ड्स में लगाते थे, कुछ लोग इक्विटी, और एक बार खरीद के रख लेते थे। बिल्कुल सही, लेकिन यहां कुछ और ही लिखा है, बोला द फंड कंसिस्ट ऑफ इक्विटी ओनली। तो मिस सुनिधि ना शायद कोई और स्ट्रेटजी एडॉप्ट कर रही है और उसको कंपैरिजन करना चाहती है बाय एंड होल्ड से, ठीक है। और बाय एंड होल्ड में सिर्फ बोले सिर्फ और सिर्फ इक्विटी, बॉन्ड होगा ही नहीं। अब बोला है तो उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, तो बोले सिर्फ इक्विटी का पैसा लगाएंगे, एक बार हम इक्विटी खरीद लेंगे और उसको होल्ड करके रखेंगे। एंड द एंडिंग एनएवी ऑफ द फंड ही कंस्ट्रक्टेड फॉर द लास्ट 10 मंथ आर गिवन बिलो। और लास्ट 10 मंथ का एनएवी, एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। हालांकि ये म्यूचुअल फंड से रिलेटेड होता है, पर ये समझ लो शेयर का प्राइस, तो भी दिक्कत नहीं है। बाकी म्यूचुअल फंड में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि एनएवी क्या होता है। तो दिसंबर 2008 से स्टार्ट हो रहा है, 40 रुपए, 25 रुपए, फिर 36, 32, 38, 37, इस तरह से दिया है। एज्यूम सुनिधि हैड इन्वेस्टेड ए नोशनल अमाउंट ऑफ ₹2 लाख, बोले 2 लाख रुपए सुनिधि इन्वेस्ट करना चाहती है। कुछ पैसे इक्वल इक्वली कुछ पैसे इक्विटी फंड में और कुछ पैसे कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड्स। बाय एंड होल्ड में ना सारा की सारा पैसा इक्विटी में लगाना है, ठीक है, ठीक है सर। और दूसरा वो मिस सुनिधि जो पोर्टफोलियो क्रिएट कर रही, उसमें 1 लाख रुपए वो बॉन्ड्स में लगाना चाहती है और 1 लाख रुपए इक्विटी में, ठीक है। इन द बिगिनिंग ऑफ दिसंबर 2000, दिसंबर 2008 में खरीदा, एंड द टोटल पोर्टफोलियो वाज बीइंग रीबैलेंस ईच टाइम। बोले पोर्टफोलियो रीबैलेंस होगा कब, जब एनएवी ऑफ द फंड इंक्रीज आर डिक्रीज बाय 15%। ये मैं आपको समझाना पड़ेगा, तो वो मैं आपको समझा दूंगा। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो फॉर ईच लेवल ऑफ एनएवी फॉलोइंग द कॉन्स्टेंट रेशियो प्लान। सुनोगे, बात ऐसी है कि मिस सुनिधि के पास 2 लाख रुपया लगा, तो 2 लाख रुपए या तो पूरा इक्विटी में लगा है ऐसा बोला है, ठीक है, इक्विटी में लगा देते हैं और इक्विटी में लगाकर छोड़ देते हैं और सीधे 10 माह बाद देखेंगे कि क्या होता है। या तो एक कांस्टेंट रेशो प्लान अडॉप्ट करना चाहते, उसमें 1 लाख रुपए इक्विटी में और 1 लाख रुपए बॉन्ड्स में। और रीबैलेंस कब करोगे, बोले पिछला एनएवी से, पिछला एनएवी से नेक्स्ट एनएवी अगर 15% से इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा तो रीबैलेंसिंग कर लेंगे। और फिर जब 10 महीने बाद दोनों में का वैल्यू चेक करेंगे कि बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी में ज्यादा आ रहा है या कॉन्स्टेंट रेशो प्लान में ज्यादा आ रहा है। दैट्स इट सर, इसको करेंगे कैसे। हाँ बेटी, ये मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि पर्टिकुलर फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को बनाएंगे, कॉन्स्टेंट रेशियो प्लान से क्वेश्चन है, और प्रॉपरली कॉलम में बना लेते हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
क्या बोला है आपसे, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो फॉर ईच लिव। स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो फॉर ईच लिव। ठीक है, ठीक है सर, करना क्या है, कुछ नहीं, टेबल बनाएंगे बेटे, बिना टेबल के तो ये क्वेश्चन हो नहीं सकता, प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है वैसे भी। तो सबसे पहले ना यह मंथ लिख लेंगे, मंथ, ठीक सर। इसके बाद आ जाएगा एनएवी, ठीक है सर। सर इसके बाद आएगा बाय एंड होल्ड, बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी, ठीक है, हमको हर लेवल पे बताना। सर इसके बाद क्या होगा, अब पूरा की पूरा कांस्टेंट रेशो प्लान हो जाएगा। यहां लो भाई मैं नाम लिख देता हूं, ये इस पूरे प्लान को मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा कांस्टेंट रेशो प्लान। इसमें क्या करोगे आप सर, कुछ पैसा कहाँ लगाओगे बेटे, कुछ पैसा सर हम कंजर्वेटिव बॉन्ड्स में लगाएंगे, कंजर्वेटिव बॉन्ड्स लिख दूं, जगह कम है एक्चुअली, बॉन्ड्स, ठीक। और कुछ पैसा कहाँ लगाएंगे, इक्विटी, ठीक है सर। उसके बाद एक कॉलम लिख देते टोटल का, ठीक है। और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद यहां आएगा एक्शन, ठीक। और उसके बाद यहां कितना आपके पास यूनिट्स बचा, ठीक। अब धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिसंबर 2008 की बात हो रही है, दिसंबर 2008, यहां एनएवी कितना है, एनएवी का रेट, एक शेयर का रेट कितना दिया 40, और कितना लगा रहे हो यहां सर, यहां तो हम पूरा 2 लाख रुपए लगा रहे, यस 2 लाख रुपए। बता सकते हो कितना यूनिट्स आया होगा, 5,000। आप खुद सोचो 2 लाख रुपए लगाया है और 40 रुपए का एक शेयर या एक यूनिट, तो टोटल यहां यूनिट्स कितना है, 5,000, बात खत्म, और 5,000 यूनिट्स छोड़ के रख दिया। अच्छा अब यहां की बात करो, यहां कितना पैसा लगा बॉन्ड्स में, इक्वली बोला है 1 लाख, और यहां भी कितना 1 लाख, तो टोटल पोर्टफोलियो कितने का बना 2 लाख, ठीक है। कितना यूनिट्स खरीदा है आपने सर, हमने बाय किया है 1 लाख रुपए भर लगाया इक्विटी में, और एक यूनिट का प्राइस कितना है 40, तो कितना यूनिट्स खरीदा आपने 2500 यूनिट, तो टोटल अभी हमारे पास इस प्लान के हिसाब से 2500 यूनिट्स है, ठीक है जी सर, बात समझ में आ गई। अब अगली डेट पे पहुंचते हैं, कौन सी डेट, अब देखो बेटे रीबैलेंसिंग कैसे होता है, अब हम पहुंच रहे हैं कौन सी डेट, जनवरी 2008, कितना हो गया यूनिट 25 रुपए हो गया, तो यहां तो आपके 5,000 यूनिट्स जो थी, आप तो कुछ भी चेंज नहीं करे, तो 5,000 यूनिट इंटू 25, तो
1,25,000 रुपए। यहाँ वैल्यू कितनी हो गई सर? यहाँ वैल्यू तो गिर गई, और कितनी हो गई जरा बताओगे? 1,25,000 यूनिट्स। सर ठीक है, 1,25,000। बेटे 5,000 जो यूनिट्स था ना, हमने खरीद के रखा था, और हमने कहा था हम होल्ड करके रखेंगे, तो 25 रुपए के हिसाब से वैल्यू कितनी हो गई? 1,25,000। सर ठीक है, सर इस प्लान में कोई चेंज होगा कि नहीं होगा जरा सोचते हैं। बॉन्ड्स में कोई चेंज हो गए? सर बॉन्ड्स में थोड़ी ना चेंज होगा, 1,00,000 ही रहेगा। यस, इक्विटी में चेंज होगा। और इक्विटी बोलो, आपके पास यूनिट कितनी थी इस प्लान के हिसाब से? 2,500। और क्या रेट हो गया? 25, तो 2,500 × 25 62,500। तो टोटल कितना हो गया? 162,500। इतना यूनिट्स हो गए आपके पास। अब सवाल ये है, क्या रीबैलेंसिंग करना पड़ेगा? अगर मैं कहता हूं चेक करो, 40 − 15% 34 हो जाना चाहिए, 34 से कम होना चाहिए अगर गिर रहा है तो। और कितना हो गया? 25। तो हाँ जी, रीबैलेंसिंग करना पड़ेगा। चलो जी, तो रीबैलेंसिंग कर लेते हैं। अब रीबैलेंसिंग कर रहा हूं मैं, रीबैलेंसिंग को मैं रेड में कर लेता हूं, जैन 2008। और रीबैलेंसिंग कर रहे हो तो यहां थोड़ी ना होगा, यहां तो 25 के हिसाब से रहेगा, 1,25,000। ये कभी रीबैलेंसिंग नहीं होगा, लेकिन ये रीबैलेंसिंग करना पड़ेगा। और रीबैलेंसिंग में काम क्या करना पड़ेगा जरा देखते हैं, सुनना ध्यान से। अब यहां कैसे काम? 162,500 टोटल है ना, कांस्टेंट रेशियो का मतलब दोनों तरफ एक जैसा होना चाहिए, मतलब 162,500 डिवाइडेड बाय 2 कर लिया, तो यहां होगा 81,250, और यहां भी होगा 81,250। सर इसका मतलब आपने क्या किया? पहले इक्विटी कितना था मेरा? 62,500। अब कितना कर दिया? 81,250। मतलब मैं क्या कर रहा हूं सर? हम इक्विटी खरीद रहे हैं, बिल्कुल सही, इक्विटी खरीद रहे हैं, और बॉन्ड बेच रहे हैं। ठीक है, यहां बैलेंस कितना रहेगा? यहां तो 162,500 ही रहेगा। ठीक है, तो बताइए आपने क्या किया? हमने खरीदा बाय इक्विटी, कितना खरीदा जरा देख लेते हैं। बताओ बेटे कितने रुपए? 1,00,000 से बॉन्ड खाली कर दिया, और आपने इक्विटी देख लेते, 81,250 − 62,500, 81,250 − पहले इक्विटी कितना था? 62,500। और यूनिट का प्राइस कितना चल रहा? 25 डिवाइडेड बाय 25। तो आपने यूनिट्स खरीदा, और कितना यूनिट्स बाय कर लिया? 750। तो अब आपके पास यूनिट्स कितना हो गए? अब हो गए बेटे 3,250 यूनिट्स। इस तरह से हम रीबैलेंसिंग करते जाएंगे। पहले मैंने यहां लिखा, इसको इक्वल कर, यहां रीबैलेंसिंग नहीं होगा। ठीक है, ठीक है सर, यहां तक तो काफी कुछ बात समझ में आ गई। अगली डेट पे चलते हैं, और कब चलते हैं? फेब 2009। फेब 2009 यहां कीमत कितनी हो गई? 36। तो 5,000 यूनिट्स तो बाय एंड होल्ड में है, तो 5,000 यूनिट्स का देख लो, 5,000 × 36, तो यहां तो 1,80,000 हो गए फंड। ठीक, और यहां बॉन्ड में कोई चेंज होगा कि नहीं? भाई बॉन्ड्स में थोड़ी चेंज होगा, 81,250। पर इक्विटी कितना यूनिट है आपके पास यहां? 3,250। तो 3,250 × रेट कितना हो गया? 36। तो बेटे ये आ गए 1,17,000। कैसे आया मालूम है? 3,250 × 36, 1,17,000 प्लस 81,250, तो आपका पोर्टफोलियो कितने का हो गया? 198,250। अब सवाल यह है, रिबैलेंसिंग होगा कि नहीं होगा? तो 25 रुपए से बढ़ा, तो चेक करो क्या 15% से ऊपर बढ़ गया? 25 + 15% 28.75 होता, या उससे ज्यादा होता तो रीबैलेंसिंग करेंगे, और उससे ज्यादा है तो रीबैलेंसिंग करना पड़ेगा। चलो तो रीबैलेंसिंग करते हैं। कब की बात कर रहे हैं हम? फेफ 2009।
यहाँ तो 36 है, यहाँ क्या रिबैलेंसिंग करना बाई एंड होल्ड में? नहीं सर, यहाँ तो कुछ भी नहीं करना, 180 का 180 छोड़ देते। अब यहाँ की सुनो, मैं यहाँ कैसे करता हूँ, सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ 198250 और इसको आधा आधा कर लिया, 198250 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 99125 और यहाँ आ गया 99125, यहां लिख दूं 198250। ठीक है, अब मुझे बताओ इक्विटी कितना था, 1,17,000, और कितना हो गया 991। इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब हमने इक्विटी बेच दिया, सेल। कितना बेचा जरा देखते हैं, 1,17,000 माइनस 99125 डिवाइडेड बाय क्या रेट चल रहा है यहाँ, 36 के हिसाब से बेच दिया, कितना यूनिट बेचा है, 1,17,000 माइनस 99125 डिवाइडेड बाय 36, तो हमने बेचा 496.53 यूनिट्स। सर यूनिट्स फ्रैक्शन में हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो अब बताओ 3,250 था, उसमें से इतना यूनिट्स बेच दिया माइनस 3,250, तो हमारे पास यूनिट कितना बचा है? हमारे पास अब बैलेंस बचा है 27,53.47 यूनिट्स, इतना यूनिट्स अभी हमारे पास बचा। तो यहां रिबैलेंसिंग हुआ, यहां भी रिबैलेंसिंग हो गया, ठीक है, फेव हो गए। अब कहां पहुंच जाते, अब चलते हैं मार्च, मार्च 2009, यूनिट का प्राइस कितना हो गया, अब की बार हो गया 32। तो हमारे पास यूनिट बाय एंड होल्ड में तो दिक्कत नहीं है, 5,00,000 × 32, तो यहां का 1,60,000। सर बॉन्ड्स में कोई दिक्कत? बॉन्ड्स तो उतना ही रहेगा, 99125 इक्विटी, यहां कितना यूनिट था हमारे पास, 2753, या लिख दूं ऐसे 2753.47 और वैल्यू कितनी हो गई 32, 2753.47 × 32, तो बेटे ये हो गया 8811 अप्रोक्स प्लस 99125, तो अब मेरा पोर्टफोलियो कितने का हो गया, 187236। अभी एक्शन कुछ नहीं है, यूनिट तो मेरी इतनी है 2753.47 यूनिट्स। अब सवाल है कि रिबैलेंसिंग होगा कि नहीं होगा, चेक करते हैं। छत्तीस से गिरा, 15% से ज्यादा गिरना चाहिए, तो 15% से ज्यादा करते, 36 माइनस 15%, 30.6 से भी कम होना चाहिए जबकि 32 है। सुनना ध्यान से, रिबैलेंसिंग तभी करोगे जब वैल्यू गिरेगी, और 36 है तो 36 माइनस 15%, तो 30.6 हो जाए यूनिट की वैल्यू या उससे कम हो तभी रिबैलेंसिंग, पर अभी तो 32 है, तो क्या रिबैलेंसिंग करना है? नो, तो कोई रिबैलेंसिंग नहीं। वाह कितना अच्छा लगा, आगे चलते हैं मार्च 2009 के बाद, अब आ जाते हैं अप्रैल 2009, यूनिट की कीमत कितनी हो गई, एनएवी 38, चेक करते 5,000 × 38, तो यहां कितना होगा, 1,90,000। बॉन्ड्स में कोई चेंज होगा कि नहीं, 99125, हाँ यहां चेंज होगा क्या, यस 2753.47 इंटू क्या हो गया 38, 2753.47 इंटू 38, तो ये हो गया बेटे 104632 ले लेते हैं प्लस 99125, तो यहां आ गया मेरा 20 टोटल 3757 यूनिट, अभी उतना ही है। बस अब डिसाइड करना है
कि रिबैलेंसिंग होगा कि नहीं होगा, बढ़ा है 32 से 15% बढ़ा, 6.8 या उससे ज्यादा होना चाहिए, और उससे ज्यादा हो गया, उससे ज्यादा हो गया तो अब हमको रिबैलेंसिंग करना ही पड़ेगा। तो अब रिबैलेंसिंग करने जा रहे हैं, सर यहां रिबैलेंसिंग बेटे यहां तो करना ही नहीं है ना, बाय एंड होल्ड में नहीं करना, यहां की बात करो 991, यहां मैं कैसे करूंगा, मैंने बताया ना रिबैलेंसिंग कैसे होगा, ये 203757 है ना, इसको मैं इक्वल कर दूंगा डिवाइडेड बाय 2, 203757 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां आ जाएगा 10 1878, और यहां भी 10 1878 या 7 लाइन कर लो, तो फाइनली यहां का 203757। अब सवाल ये कि पहले इक्विटी कितना था, 104, अब कितना 1, तो क्या हुआ है सर, हमने बेच दिया है, यस बेच दिया है, सेल कितना का बेच दिया है, 10 कैसे निकालोगे, 104632 माइनस 101879, और यूनिट की कीमत कितनी हो गई, 38, तो 104632 माइनस 101879 डिवाइडेड बाय 38, तो बेटे कितना यूनिट बेचा हमने, बेचा 72.45 यूनिट्स। तो अब यूनिट कितना बचा, पहले था 2753.47 माइनस 72.45, तो अब यूनिट बचा है 2681.02 यूनिट्स। ये था अप्रैल 2009, रिबैलेंसिंग हुआ। अब चलते हैं, अब कहां पहुंच गए हम, मई 2009, यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 37, 37 इंटू 5000 इंटू 37, तो वैल्यू कितना हो गया, 1,85,000। यहां बॉन्ड तो इतने लग रहेगा, 101878, यहां कितना हो गया चेक करो, 2681.02 यूनिट्स है, इंटू वैल्यू कितनी हो गई, 37, 2681.02 इंटू 37, तो ये आ गया बेटे 99198 ले लेते, प्लस 101878, तो यहां आ गए 201076 रुपीस। कुछ नहीं करना, यहां यूनिट्स कितना रहेगा, 2681.02 ही रहेगा। अब सवाल है रिबैलेंसिंग होगा कि नहीं होगा, 38 से गिरा, 15% से ज्यादा गिरना चाहिए, 38 माइनस 15% 32.3 या उससे नीचे जाएगा तब रिबैलेंसिंग, और ये तो कहां 37 ही है, तो क्या रिबैलेंसिंग होगा, नहीं होगा। तो अब कब किस पे जाते हैं, अब आ जाते हैं जून 2009, एनएवी कितना हो गया, 42, इस बार बढ़ा है, तो चेक करो 5000 इंटू 42, तो ये वैल्यू हो गई 210000, यहां बॉन्ड उतना ही रहेगा 101878, यहां यूनिट कितनी होगी 2681.02, और वैल्यू कितनी होगी 42, 2681.02 इंटू 42, तो बेटे ये आ गया 1126002 इसको 03 राउंड ऑफ करते हुए चल रहा हूं, प्लस 101878, तो टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई 214481, कुछ नहीं है, यूनिट अभी कितना है 2681.02। अब सोचना रिबैलेंसिंग होगा कि नहीं होगा, 37 से 42 हो गए, मतलब बढ़ा 37 प्लस 15%, 42.55 या उससे ज्यादा बढ़ना चाहिए, जबकि 42 ही हुआ, तो बताइए रिबैलेंसिंग नहीं होगा सर, यहां भी नहीं होगा। तो अब चलते हैं, अब आ गए आप जुलाई
2009, एनएवी कितना हो गया है जुलाई 2009 का, एनएवी अब की बार हो गया 43, 43, तो 43 देख लेते हैं, 5000 इंटू 43, तो बेटे ये हो गया 215000। बॉन्ड यही रहेगा 101878, लेकिन यह इक्विटी चेंज हो जाएगा 2681.02 इंटू कितना हो गया जी 43, 2681.02 इंटू 43, तो ये हो गया 115284 प्लस 101878, तो यहां आ गया वैल्यू 217162 यूनिट उतनी ही है 2681.02। अब सवाल है कि भाई अब रिबैलेंसिंग 42 से बढ़ा तो 15% से ज्यादा बढ़ना चाहिए, 42 प्लस 15% 48 या उससे ज्यादा होना चाहिए जबकि 43 ही है, तो रिबैलेंसिंग सर अभी भी नहीं होगा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो जुलाई 2009 तक पहुंच गए, अब दो महीने और बाकी अगस्त एंड सितंबर, और हमारे पास जगह नहीं है तो हमको ऊपर सेट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपने मेरे साथ साथ लिख लिया था, चलो भाई तो हम कहां पहुंच गए हैं, हम बस दो महीने बाकी रह गए हैं काम खत्म। तो अब सबसे पहले जुलाई हो चुका है, अगस्त 2009 चेक करो, अगस्त को एनएवी कितना हो गया 50, अगर ये 50 हुआ तो 50 इंटू 5000 यहां वैल्यू कितनी हो गई 250000। यहां बॉन्ड कितना है 10, तो बॉन्ड तो उतना ही रहेगा 101878, ठीक है। इक्विटी कितना हो गया, तो यहां यूनिट कितनी थी 2681.02 इंटू 50, 2681.02 इंटू 50, तो ये वैल्यू आ गई बेटे 134051 प्लस 101878, तो यहां टोटल आ गया 235929। एक्शन अभी कुछ नहीं है, यूनिट अभी कितना, यूनिट तो है हमारा 2681.02 बैलेंस। अब सवाल है रिबैलेंसिंग होगा कि नहीं होगा, यूनिट बढ़ा है, यहां था 43 उससे 50 बढ़ गया, चेक करो 15% से ऊपर गया कि 43 प्लस 15%, हां भाई 49.45 होना चाहिए जबकि तो 50 निकल गया, तो अब रिबैलेंसिंग होने वाला है और हम अब रिबैलेंसिंग करने वाले हैं अगस्त 2009। सर बाय एंड होल्ड में रिबैलेंसिंग नहीं बेटे, इसमें थोड़ी ना होता है 250000। अब इसमें मैं रिबैलेंसिंग कैसे करता हूं, तो हमेशा की तरह सबसे पहले ये लिखूंगा 235929, अब डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, इक्वल 235929 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 117965 चल जाएगा थोड़ा सा। अब सवाल है कि पहले इक्विटी इतना था अब इतना है, मतलब कम हो गया, मतलब क्या हुआ होगा, सर बेच दिया होगा, बिल्कुल सही, बेचा होगा इक्विटी कितने का, पहले था 134051 माइनस, अब है 117965 और अभी रेट क्या चल रहा है 50 माइनस 134051 डिवाइडेड बाय 50
कितना यूनिट बेच दिया आपने? 321.73 यूनिट्स, तो बचा कितना? 2681.02, ये था, इसमें से बिक गई माइनस 321.73, तो अब यूनिट बची है आपके पास 2359.29 यूनिट्स। तो अगस्त 2009 भी हो गया, अगस्त के बाद अब लास्ट मंथ बचा है, और कौन सा बचा है? सितंबर 2009। यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? तो 52, तो 52 इंटू 5000, तो बाय एंड होल्ड के अंतर्गत यहां तो 260,000 हो गया। बॉन्ड्स तो इतने ही रहेगा 117964, इक्विटी में चेंज हो जाएगा 2359.29 इंटू 52, 2359.29 इंटू 52, तो ये आ गया बेटे 122683 प्लस 117964, तो ये आ गया 2406467647। यहां कुछ नहीं आएगा, यूनिट कितनी रहेगी? 2359.29 यूनिट्स। अब चेक कर ले तो रीबैलेंसिंग होगा कि नहीं होगा? 50 से 52 हुआ मतलब बड़ा, तो 15% से ऊपर निकलना चाहिए। 50 प्लस 15%, 57.5 या उससे ऊपर होना चाहिए, जबकि 52 है, तो रीबैलेंसिंग नहीं होगा, और बस बात खत्म। इतना ही था क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? उसने बोला था वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो बताना है, तो अब मैं आपको वो निकाल कर बता देता हूं। तो मैं लिख रहा हूं वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है पर उतना मुश्किल नहीं है, तो मैं यहां लिख रहा हूं वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो अंडर बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी, ये आया बेटे 260,000 रुपीस, 260,000 रुपीस, ठीक है, अंडर कांस्टेंट मिक्स, कांस्टेंट रेशो प्लान, और इसमें आया 240647, ठीक है, बस यही पूछा था, और क्वेश्चन में कुछ है नहीं है। उसने डिसीजन वगैरह नहीं पूछा कि किसमें ज्यादा है, अगर बोलता था वो भी कर लेते। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 80।